सुबह के साथ और अभी तक सब लोग सो रहे हैं। इनफैक्ट बस मैं और मैसी उठ गए थे अराउंड 6 साढ़े 6 बजे, और बस मैसी को घुमा के आया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो गया था मैं भी। पर अभी 7 बजे हैं तो टाइम फॉर अ टी। ऑफिस की तैयारी स्टार्ट हो गई। एक्चुअली अंडे रख दिए मैंने बॉईल करने, इतनी ने दूध रख दिया बॉईल होने, एक की वॉमिट चल रही है और एक की पावरी चल रही है। सफाई सफाई चल रही है, सफाई एक जीप से चाट चाट के साफ कर रहा है और एक झाड़ू से साफ कर रहा है। ये देखो, ये जीप से साफ चाट चाट के साफ कर रहा है, ये झाड़ू से साफ कर रही है। मैं देखो अपने जरा क्या हाल बना रखे तुमने। हाँ, और देख जा अपने मुंह की। चलो जी, हम होते हैं तैयार ऑफिस के लिए। ऑलरेडी हो गए 8:30। इसको पुश करता हूँ, जल्दी 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 हाथ चलाओ क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया मेरे। मीन वाइल में कुछ मदद अपनी खुद भी कर लेता हूँ, अंडे छील लेते हैं। एंड माय ब्रेकफास्ट इज रेडी, सबका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। लिविंग फ्रॉम ऑफिस और जाते हुए मुझे लेना है ईटी का चश्मा, जो कि हम कल ट्राई कर रहे थे और कौन बन के हम ले नहीं पाए थे। तो आई एम थिंकिंग कि अगर थोड़ा भी मुझे टाइम मिलता है, टाइम क्या निकालना ही पड़ेगा टाइम, तो जाते हुए ईटी का चश्मा भी ले ही लेता हूँ। मंडे है, ट्रैफिक टाइम है, तो आई थिंक थोड़ा ट्रैफिक तो मिलेगा मेरे को, बट लेट्स सी। चश्मा तो ले ही लेते हैं। तो इसी का चश्मा हो गया कलेक्ट, एंड नाउ हेडिंग बैक टू होम। और घर जाते जाते मुझे जिम भी भागना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लेट हो गया हूं मैं। तो चलिए चलते हैं घर पे फटाफट और तैयार होके चलते हैं जिम। गप्पी गप्पी नहीं, का कर लियो तुम, का कर लियो तुम। तो बस अभी घर पहुंचा हूँ, ईति अपना मोबाइल में लगी पड़ी है, गप्पा अपना बर्तन तोड़ने में लगा पड़ा है, मैसी मस्त धुलवाने में लगी पड़ी है, और मैं हो रहा हूँ लेट जिम जाने के लिए। सुनो, जिम में जाओ। क्यों, आज कुछ स्पेशल डे है? और रीति ने बहुत कोशिश करी कि मैं जिम ना जाऊं, अजीब अजीब से बहाने दिए गए मेरे को कि लाइक क्या मैसी ने उल्टी करी, मत जाओ, मेरे को तो वो डेली करती है, अब उसका क्या करूं मैं। फिर उसके बाद क्या किया था मैंने, वो बिल्कुल नई बात कि हमारा नल खराब हो गया, पानी टपक रहा है, तो इसलिए मत जाओ। वो नहीं होता रोज, और इसकी आदत सी बन गई है अब। मैं जैसी जिम के लिए जाऊँ, आज जिम मत जाओ, सुनो आज जिम मत जाओ, सुनो आज जिम मत जाओ। ये ना अपने आप निकलता है, मतलब ये डायलॉग जैसे चलो कहते ना मैं जिम जा रहा हूँ, रेडी हो गया, सुनो आज जिम में जा, तो अंदर से ये डायलॉग ही निकलता है। मेरी आदत बन गई है कि प्लीज आज मत जाओ, वो कहते हैं क्यों ना जाओ, तो मैं कोई भी रीजन देती हूँ तो कहते हैं तो ये तो रोज ही होता है, तो मैं रोज वो बात सोचती हूँ जो उस दिन हुई हो, ताकि मैं जिम जाने से रोक सकूँ। पर बहुत बढ़िया रहा जिम, इसने ऐसा टोका कि आज बिल्कुल मैंने बाइसेप्स किए थे, ऐसा पंप आ गया कि मेरा हाथ मुड़ भी नहीं रहे अब। मतलब मैं क्या बात ना, ऐसे इतने टाइट हो चुके हैं, जबरदस्त पंप आ गया है कि मुड़ने में भी दिक्कत हो गई आज, इसकी बद्दुआ लग गई। शट अप, मैं बद्दुआ नहीं देती किसी को, इट वाज जस्ट अ रिक्वेस्ट, मानी आपको नहीं मानते तो मैं क्या करूँ, मेरा तो काम है रोज रिक्वेस्ट करना। तो किचन में हम आए हैं, क्या हो गया? हाँ चल रहे चल रहे चल रहे। मैसी को आ रही है नींद, मैसी नींद आ रही है, ये ऐसी है कि मेरे बिना सोती भी नहीं, तो इसको गप्पे को भी और इसको भी, दोनों पूरी रात चुपके रहेंगे मेरे से, और इसके मेरे को बोल दिया कि चल 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 अब जल्दी चल, सोना है मेरे को।
चलो मैसी आ रहे। तो चलिए गाइस चलते हैं, मैं मैसी के साथ सोता हूँ, रीति को काम दे देते हैं दूध बना के लाने का, और आपसे मिलते हैं हमने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड सारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।